स्वागत है आप सभी का आपके अपने फूड चैनल फन फूड फैक्ट्स में। तो आज हम देखने वाले हैं चाइनीज वेज फ्राइड राइस की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो चलिए चलते हैं लोकेशन पे, जो है सोनू चाइनीज सेंटर, जो कि लोकेटेड है कोल्हापुर में। तो आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने डाला है ऑयल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रेसिपी है वो 4 फुल प्लेट के हिसाब से बन रही है। तो यहाँ पर इन्होंने डाला है लंबा लंबा कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्ची। अब यहाँ पर डालेंगे लंबा लंबा कटा हुआ कैबेज। आप चाहे तो कोई सी भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वेज फ्राइड राइस होने वाला है, आपकी मन पसंदीदा। तो इसे डालने के बाद में अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे इन सारी सब्जियों को भून लेना है, तभी चाइनीज़ का जो फ्लेवर है वो आता है। अब यहाँ पर डालेंगे मिर्ची का पेस्ट, साथ में इन्होंने डाला है अदरक का पेस्ट, और उसके बाद में डाला है ये लहसुन का पेस्ट। और वापस से अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को भून के लेना है, हाई फ्लेम पे भूनना है, तभी जो है फ्राइड राइस का जो स्मोकी फ्लेवर है वो फ्राइड राइस में आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से सब्जियाँ कुक हो चुकी है, भुन चुकी है। अब इसमें जाएगा बॉइल्ड कुक्ड राइस। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को नहीं पता कि ये परफेक्टली कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इन्हीं से देखते हैं कि लंबा लंबा खिला खिला बड़े पैमाने पे राइस बनता कैसे है। तो यहाँ पर आपने जितना राइस लिया है उसका तिगुना पानी लेना है, यानी कि अगर आप 1 kg राइस ले रहे हैं तो 3 लीटर आपको पानी यहाँ पर लेना है। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ द राइस। तो यहाँ पर राजभोग का राइस लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप लंबे ग्रेन वाला कोई सा भी जो राइस है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट बहुत कम रहता है। तो देख सकते हैं आप इसे 20 मिनट के लिए सोक करने रख देंगे, सोकिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में चढ़ाएंगे हम गैस पर और इसे 20 मिनट तक कुक करना है, जब तक ये 80% ना कुक हो जाए। देखिए अब इसका जो स्टार्च वाला पानी है उसे निकाल लेंगे, क्योंकि स्टार्च ही रिस्पॉन्सिबल है इस राइस को चिपचिपा बनाने में। और इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे, ताकि जितना भी थोड़ा सा मॉइस्चर बचा है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। फैन चला ले आप चाहे तो, ताकि ये और भी खिला खिला सेपरेटेड बने। आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि ये बॉइल्ड राइस बनाया कैसे जाता है। इसे डालने के बाद में अच्छे तरीके से मसालों में मिलाना है राइस को। अब यहाँ पर डाला गया है नमक, स्वाद अनुसार डालना है। तो आपको मैं बता दूं, हमने बॉईल करते वक्त बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था, तो यहाँ पर आपके हिसाब से डालिए ज़्यादा क्वांटिटी में। अब यहाँ पर डाला गया है शुगर स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे सॉसेस। तो सबसे पहले चिली सॉस यहाँ पर डालेंगे, और साथ ही में जाएगा सोया सॉस। अब हम यहाँ पर डालेंगे हैंडफुल अमाउंट ऑफ स्प्रिंग अनियन। आप चाहे तो कोई सी भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, और साथ ही में जाएगा कोरिएंडर बहुत सारा। इसे डालने के बाद में वापस से एक बार सौते कर लेंगे, और हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है, तभी चाइनीज़ का जो टेक्सचर और फ्लेवर आ पाएगा। तो देखिए 10 मिनट के बाद में ये रेडी हो चुका है, गार्निश करेंगे। और आप चाहे तो इसमें मंचूरियन के बॉल भी डाल सकते हैं। मंचूरियन बॉल की रेसिपी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा चाइनीज वेज फ्राइड राइस। तो रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।